ओम तेजस्विना वदितमस्तु। सांगली शिक्षण संस्था के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी सुलभ भारती सातवीं कक्षा के लिए पहली इकाई में से दूसरी कविता फूल और कांटे देखेंगे। सर्वप्रथम इस कविता के जो कवि है उनका परिचय देखते हैं। कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय। उनका उपनाम है हरिऔध। उनका जन्म 1865 अजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ, मृत्यु 1947। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनके नाम देखते हैं। प्रिय प्रवास, पद्य प्रसूत, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। विद्यार्थियों, खड़ी बोली का मतलब है वो भाषा जो मानक हिंदी का पूर्व रूप है, जिसमें संस्कृत शब्द की बहुलता करके वर्तमान भाषा की सृष्टि हुई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। तो चलो विद्यार्थियों, आज हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम फूल और कांटे इस कविता को उचित हाव भाव लय ताल के साथ दोहराते हैं। हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवा है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर्वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध औ निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसी सपर, किसी तरह कुल की बढ़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। विद्यार्थियों, इस कविता का अर्थ बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन में, इसलिए हम इस कविता का अर्थ देखते हैं। हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। विद्यार्थियों, यहाँ फूल और कांटे दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन्हें पालता है। रात के समय जब आकाश में चांद अपनी चांदनी फैलाता है तो दोनों को, फूल को और कांटों को भी समान रूप से चांदनी देता है। अगर आपने गुलाब का पौधा देखा हो तो गुलाब के पौधे पर फूल भी होते हैं और कांटे भी होते हैं, और जब रात के समय चांद अपनी चांदनी फैलाता है तो दोनों को समान रूप से वो चांदनी देता है। आगे देखते हैं, मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवा है वही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। यहाँ मेह का मतलब है बादल। जब पृथ्वी पर बादल जल बरसाते हैं तब वो दोनों पर समान रूप से बरसते हैं।
जब पैरिसी हवा बहती है तो दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी कांटों का और फूलों का ढंग अलग अलग होता है। दोनों का स्वभाव अलग अलग यानी भिन्न होता है। आगे देखें, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन। यहाँ शाम याने काला, तन याने शरीर, भौर याने भौरे, जो फूलों पर मंडराते हैं ना वो भौरे, यानी भौरों का काला शरीर। वर याने श्रेष्ठ और सुंदर। वसन का मतलब है वस्त्र। वेद का मतलब है छेदना। तो विद्यार्थियों, काटा किसी की उंगलियों को काट देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है, और जब तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो उनके पंख काट देता है। पर कतर, पर यानी पंख, पंख कतर यानी पंख को काट देता है। जब भौरे फूल के पास रस पीने के लिए आते हैं तब उनके काले शरीर पर छेद करता है। तो विद्यार्थियों देखो, यहाँ पर काटा क्या क्या करता है, किसी की उंगलियाँ काटता है, किसी के वस्त्र को फाड़ देता है, सुंदर वस्त्र फाड़ देता है, तितलियों के पंख काट देता है, और भौरों के शरीर पर छेद कर देता है। आगे देखते हैं, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध औ निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला। यानी यहाँ पर अनूठा यानी निराला, जी यानी मन, निज यानी अपना। तो अभी हमने देखा काटा क्या क्या करता है, तो दूसरी तरफ फूल क्या करता है, फूल तितलियों को अपने गोद में जगह देता है, भौरों को अपना अनूठा रस पिलाता है, अनूठा यानी निराला रस पिलाता है, और क्या करता है, अपनी निराली रंगों की छटा से, अपनी मदमाती सुगंधों से सबका जी प्रसन्न कर देता है। जी यानी मन, सबका मन प्रसन्न कर देता है। ये सब कौन करता है, फूल करता है। विद्यार्थियों, कविता में एक मुहावरा आया है, जी की कली खिलना, बहुत खुश होना, बहुत आनंदित होना, प्रसन्न होना। आगे देखते हैं, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीस पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कसर यानि कमी, बड़प्पन यानि महत्व या बढ़ाई, सूर्य यानि देवता, शीश यानि सिर, निज यानि अपना। तो देखो विद्यार्थियों, अपने व्यवहार के कारण काटा सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूलों को यानी फूल को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। इसीलिए अगर हमारे यदि हमारे काम अच्छे ना हो, कर्म अच्छे ना हो, तो उच्च कुल में जन्म लेना किसी काम का नहीं है। इसीलिए अगर हमें अपना कुल उच्च बनाना है तो हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए, हमारे कर्म उच्च होने चाहिए। यही इस कविता की मध्यवर्ती कल्पना है। उच्च कुल में, सिर्फ उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, इसके लिए हमारा व्यवहार, हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए।